बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को जान से मारने की धमकी मिली और उसी मामले को लेकर आपको बता दें कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने राजेंद्र राठौड़ को धमकी दी थी और धमकी मिलने के बाद राजेंद्र राठौड़ ने इसकी शिकायत डीजीपी की है और फिलहाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। चार बार मिले, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि जब इनको ये मालूम पड़ा कि कन्हैया लाल का सर कलम करके दो खूंखार आतंकवादी मोटर बाइक से भाग रहे हैं, ये 25 किलोमीटर तक इन्होंने उनका पीछा किया आतंकवादियों का, पुलिस से संपर्क किया, अपनी लोकेशन भेजी और इनकी लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों सूरत में नौकरी करते हैं। आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद इनके मालिक ने इनको कहा कि आप यहाँ हमारे यहाँ आओगे, आपका नाम अखबारों में छप गया और यहाँ आपकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होंगे, इसलिए अब आपको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे। ये इनको उस समय जिला कलेक्टर ने प्रशस्ति पत्र दिया, 15 अगस्त को सम्मानित किया और जिला अधीक्षक ने अभिशंसा की कि इनको हथियार दिया जाए। घटना के चार दिन बाद में ये एक माननीय विधायक भीम के विधायक के साथ और आरटीडीसी के चेयरमैन के साथ ये मुख्यमंत्री जी ने इनको तलब किया, उनसे मिले, इनकी पीठ ठोकी और इनको कहा कि आपको सुरक्षा भी देंगे, नौकरी भी देंगे और आपको लाइसेंस का हथियार मिले, इसकी व्यवस्था भी करेंगे। वो बात जब लंबा समय बीत गया, इन्होंने प्रभारी मंत्री वहाँ के उदयलाल अंजाना से संपर्क किया। उदयलाल जी ने कहा कि जब कभी आपके साथ कोई घटना हो जाएगी उसके बाद आपकी सुरक्षा की बात करेंगे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादी जो वहाँ आसिंद के रहने वाले थे, जब गिरफ्तार हुए उसके बाद उनके घरों की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए, परंतु इन पर किसी प्रकार की इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। इन्हें लगातार ये आशंका रहती है, स्थानीय पुलिस ने इनको कह रखा है कि आप बाहर नहीं जाओगे, यात्रा करोगे तो पुलिस को सूचना करेंगे देंगे। और आज ये नौकरी खोए हुए दोनों नौजवान, जिनको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नौकरी भी मिलेगी, ये अपनी व्यथा को लेकर जब हमारे पास आए, इस सरकार के चलते सांप्रदायिकता के आधार पर वोट की फसल काटने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अभी हम भगवा रैली निकली करणी सेना की, कुछ नौजवानों ने आपत्तिजनक नारे लगाए, सरकार ने ऐतराज किया, पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। पर सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त चतरा राम जी, जिन्होंने भगवान राम पर ओछी टिप्पणियाँ की, जिन पर 3 FIR दर्ज है और 1 FIR हमारे विधायक में महोदय ने अर्जुन जी जिनगर ने दर्ज कराई है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज जयपुर बम ब्लास्ट में जिस प्रकार की लचर कार्रवाई से आरोपी छूटे हैं और हमारे SLP करने के बाद सरकार को अब होश आया और सरकार SLP में गई है और उच्च न्यायालय ने जिन इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की उन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही। एक के बाद एक सांप्रदायिकता के आग में राजस्थान झुलस रहा है। इनकी व्यथा के लिए हमने आपको बुलाया, तो ऐसे इस समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी आपसे रूबरू होंगे, परंतु मैं दो चार विषय और आपके सामने रखना चाहूँगा। सरकार ने महंगाई राहत कैंप का ऐलान कर रखा है, महंगाई राहत कैंप 90 दिन तक चल रहे हैं और इसी महंगाई राहत कैंप में सरकार ने जो हमारे NFSA परिवार है 1 करोड़ से ज़्यादा, उनको अन्नपूर्णा फूड पैकेट बांटने का फैसला किया है। सरकार ने बजट में घोषणा की 2023-24 के बजट पैरा 5 में और 3 करोड़ का प्रावधान रखा